सभी दीदी भैया लोगों को नमस्ते। मेरा नाम जरीना बेगम, मैं ग्राम बागमऊ से आई हूँ। मैंने यहाँ आकर के नीम अस्त्र बनाने की विधि सीखी, कैसी बनाई जाती है। तो अपन को 200 लीटर पानी लेना है, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डालना है और 4 किलो अपन को गोबर गाय का डालना है और 10 किलो अपन को नीम की भी पत्ती की चटनी को चढ़ के उसको पीस के डालना है। फिर उसको ड्रम को सुई की आकार में उसको चलाना है 1 से 2 बार दिन में, और उसको छायादार स्थान पर अपन को ड्रम को रखना है, छायादार स्थान पर रखना है और उसमें वो ढक देना है बोरा, जो जूट वाला आता है ना बोरा, इस बोरा को ढक के रखना है और बच्चों की और जानवरों की पहुंच से भी दूर रखना है। क्या है, कोई भी जो दवाई है तो वो जहरीली होती है, जिससे बच्चे ना पहुंच सके और जानवर ना पहुंच सके, जिसमें अपनी कोई क्षति ना हो सके। और फिर हम अपन नीम बना रहे हैं, हम आपको अग्नि अस्त्र कैसे बनाना है। अग्नि अस्त्र के लिए अपन को, जैसे अपन को 10 लीटर गाय का मूत्र लेना है, उसमें गोबर नहीं डालना है अग्नि अस्त्र में, जी आपको ध्यान रखना है। अग्नि अस्त्र में 10 लीटर गौमूत्र, 250 ग्राम अपन को लहसुन, 250 ग्राम हरी मिर्चा और 250 ग्राम पत्ती उसकी तंबाकू वाली पत्ती और 2.5 किलो नीम की जे पत्ती को पीस करके सबको कुचर करके एक बर्तन में उसको डालना है। इसके बाद में उसको फिर उबालना है, उबालने के बाद उसको रख देना है कम से कम 10-15 दिन के लिए रख देना है, और रखने के बाद फिर उसको छान के भर लेना है और भर करके उसको इसी तरह रखना है, मतलब ढक्कन बंद करके डिब्बा में, जिसमें बच्चे जानवर कुछ उसको छू ना सके। और अपन को भी जब उसको छानना है तो ऐसे अपन के ऐसे बांध लेना है, क्योंकि वो बहुत जहरीली बन जाती है। और जब अपन को इसको छिड़काव करना है तो एक टंकी में 300 ml अपन को अग्नि अस्त्र डालना है, उसका स्प्रे कर देना है। अभी स्प्रे अपन सब्जियों में भी कर सकते हैं, माहू में भी कर सकते हैं, चना मटर में इली लग जाती है उसमें भी कर सकते हैं, जो कीटनाशक में अपन किसी भी फसल में या किसी भी सब्जी में उपयोग कर सकते हैं। मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा जरूर हो सकती है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। देख करके यहाँ से सीख कर गए हैं हम, अपने गांव में किसान दीदियों को, किसान भाइयों को यही सब हम बताएंगे। और जैविक तरीके से, पुराने तरीके से खेती करना, कि जैसे अपन लोग पहले खेती करते थे, इसी तरह अब हम फिर से खेती करेंगे तो जो हमारी जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां हमारे, और पैसे की बचत भी होगी और कम पैसे में ज़्यादा हमारी फसल होगी। हमारे पास सब कुछ है, हमें बाजार से कोई चीज़ खरीदने नहीं जाना है। गौमूत्र हमारे पास है, गोबर हमारे पास है, बेसन हमारे पास है, पत्तियां हमारे पास है, जिससे हम सभी प्रकार की दवाएं अपने घर में बना सकते और अपने घर अपना पूरा पैसा खाद का बचा सकते हैं और समय बचा सकते हैं। जब हम बाजार से दवाई खरीदने जाते तो हमारे दिन का 2-4 घंटे